शनिवार शाम मुंबई के कांदीवली में धनुकर वाड़ी इलाके के नाले में एक कपल की यानी एक जोड़े की लाश मिली है। लाशों को बाकायदा कागज के गत्ते में डालकर और उसके ऊपर से पॉलिथीन को लपेटने के बाद नाले में फेंका गया था। जिस महिला की लाश मिली है उनकी पहचान हेमा उपाध्याय के रूप में हुई है। हेमा एक आर्टिस्ट थी। दूसरे शख्स की पहचान उनके वकील हरीश के तौर पर की गई है। ये मुंबई की घटना है। शनिवार शाम इन दोनों की लाश मिली है एक नाले के अंदर बाकायदा गत्ते में। इनको पहले डाला गया था और उसके बाद पन्नी से लपेटा गया था। आपके संवाददाता गणेश से ज्यादा जानकारी लेते हैं। गणेश, इस पर क्या अपडेट मिला है? कौन लोग थे ये और किसने हत्या की? पुलिस को अब तक की तफ्तीश में क्या जानकारी मिली? जी देखिए, पुलिस के जो सूत्र है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी मामला सुलझा भी लिया जाएगा। कल रात को कांदिवली वेस्ट इस परिसर में एक बक्से के अंदर इन दोनों की लाश मिली थी और कल रात को ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुबह इनके एक जो आइडेंटिफिकेशन है बॉडीज की वो हो गई है। एक आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय है जो स्कल्पचर और दूसरे जो है उनके आर्टिस्ट हैं और ये उनके वकील हैं हरीश भमानी, उनका नाम बताया जा रहा है। और पहचान हो गई है, उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर उनको किन पर शक है, क्या किस तरह के इनके रिश्ते थे या इनकी किसी दुश्मनी थी, क्या ये सारे पहलू जो है वो उसकी तफ्तीश चल रही है। लेकिन इस इन शवों को मिलने के बाद सनसनी फैल गई है जी परिसर में और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले की शुक्रिया गणेश इस जानकारी के लिए। तो महिला की पहचान हो गई है आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय के रूप में और दूसरे शख्स की पहचान हुई है वकील हरीश के तौर पर। इस पर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। कल रात इन दोनों की लाश मिली है। हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन पुलिस को अभी सिर्फ ये कामयाबी मिली है कि ये कौन लोग थे इसकी शिनाख्त हो गई है। अब इसी को आधार बनाकर पुलिस आगे कड़ियां जोड़ रही है, उसके बाद कोशिश करेगी उन हमलावरों तक पहुंचने की जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है।